तो आज जो मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ, शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी, कभी सुनी होगी, बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट। ये अंकल जी जो हमारे सामने बैठे हैं, बहुत ही सुंदर चीज बेच रहे हैं, बहुत ही हेल्दी चीज बेच रहे हैं, मजेदार। सीधा चलते हैं अंकल जी से ही बात करते हैं और आपको भी दिखाएंगे कि भाई क्या चीज है, कैसे ये बेच रहे हैं, कब से बेच रहे हैं, कितने की है और सारी चीजें बताएंगे। तो अंकल जी, ये जो इतना बड़ा आपका सेटअप है, ये आप लेके कैसे आते हैं? ये सिर्फ ही धर का लेके आते हैं। सिर्फ ही लेके आते हो? अरे बाप रे, तो काफी वजन का होगा। आदत पड़ गई है। रोटी मत खाना, डॉक्टर साहब है सामने, वैद्य के सदर जी, मुझे बुखार हो जाए तो रोटी मत खाना। रोटी मत खाना, सूर्या की दाल खा ले। सूर्या कोई मूंग की दाल नहीं खा, कहता है। अच्छा, सूर्या की दाल खा ले, हेल्दी है क्योंकि बढ़िया बनाता है। बिल्कुल, सूर्या की दाल, सूर्या, सूर्या की दाल का नाम है, सूरजमल। अच्छा अच्छा, तो उन्हीं के नाम से चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि पत्ते वगैरह रखे हुए हैं काफ़ी सारे, और अंकल जी जो है नीचे बैठ के खिलाते हैं। साथ में ही आप देखेंगे ये भगोना जो है भरा हुआ है पीतल का दाल से। अगले दाल कौन सी होती है? मूंग की, मूंग की दाल। तो एक ये दानेदार दाल है ना? हाँ जी, ये दानेदार है, ये दानेदार हो गई, ये खिलवा है। हाँ जी, और ये घुटवा हो गई, ये लड्डू हो गई, ये लड्डू की दाल हो गई, घुटवा। अच्छा, घुटी हुई सी, बस एक नीचे की जो खुरचन होती है ना वो होती है बस। अच्छा, वो मतलब एक ही बर्तन में तीन तरीके का वो टेस्ट हो गया ना, तीनों का, और फ्लेवर भी अलग आएगा तीनों का, डिफरेंट। बिल्कुल, आप टेस्ट कीजिए, मजा आएगा। बिल्कुल, ये है वो खुरचन, ये खुरचन है, मैं निकाल दिया आपके लिए, नहीं तो मैं मारता ना भी चम्मच। अच्छा, ये देखो अंकल ने खुरचन निकाल दिया हमारे लिए, डिफरेंट है। क्या बात है, इसका टेस्ट अलग ही आएगा। हाँ अलग आएगा, अभी आई नहीं वैसे खुरचन। ये देखो जी, ये खुरचन निकाल रहे हैं अंकल एकदम नीचे से। ये आई है खुरचन, ये लाल लाल दिख रहा है। ये तो सादा भोजन है, मूंग की दाल है, इसे कोई भी खा ले, मरीज खा ले, पानी में मतलब कोई घुटी हुई पसंद करता होगा, कोई दानेदार, इसलिए। तो भाई ये जो दाल है ये अंकल रोज लेके आते हैं। और अंकल जी टाइमिंग क्या है आपके? टाइमिंग 8 बजे जाता हूँ मैं, सुबह 8 से 12 बजे तक। 12 बजे तक, तो एक अपने लिए भी बनवाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि अंकल जी की जो दाल है बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। सेटअप आप देखेंगे, बहुत छोटा सा प्यारा सा सेटअप है अंकल का, नीचे ये दाल की हांडी लगी हुई है। तो अंकल कितने कितने रुपये की रहती है यहाँ? तो 10 रुपये का पत्ता मेन है, लोकल की दुकानदारी है। अच्छा, 10 रुपये का पत्ता मेन जो है वो चलता है आपका? नहीं नहीं, हाँ वो लोकल का हिसाब है ना यहाँ पर। हाँ जी, वैसे 20 का कम पड़ता नहीं आता। हाँ जी, 20 रुपये का पत्ते से कम पड़ता नहीं आता, पड़ता नहीं, बाकी ये 250 रुपये का तो पत्ते ही है, 250 रुपये का तो पत्ते ही है। ये भी बात है, सही कह रहे हो आप, पत्ता महंगा, मसाले महंगे, हर चीज़ महंगी है। भाई ये है, ये होता बहुत पुरानी दुकानदारी है ना। हाँ जी, तो इस वजह से बस वही अपना पुराना ही दुकानदारी चलती है। ये जो है सूखी वाली रहती है? हाँ जी, खिली हुई दाल है ये। तो ये आप दो तरीके की क्यों रखते हैं, इसका क्या मतलब? ये दो तरीके की बनती है, ये शुरू से ही हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने ऐसे ही सिखा रखी है हमें। अच्छा, ऐसे ही सिखा के गए हैं। अब ये क्या डाला जी आपने? मसाला, गरम मसाला। ये आ गया जी गरम मसाला, ये नमक और ये लाल मिर्च। ये क्या है? ये भुनी हुई मिर्ची है, सरसों के तेल में तली हुई। क्या बात है, सरसों के तेल में तली हुई, जबरदस्त। ये नींबू है, आ गया नींबू। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, और मतलब कीमत जो है बहुत ही नॉमिनल है, मजेदार है। तो अंकल लगभग ये कितना पुराना होगा आपका ये काम? काम तो बहुत पहला है, 1947 से भी पहला। 1947 से भी पहले का? पिताजी बैठते थे, मैं तो 1983 से काम संभाला। ओके ओके, ये चटनी किस चीज़ की है? ये इमली की है। तो भाई ये इमली का गुद्दा तार रखा। अच्छा, ये देखो ये गाढ़ा गाढ़ा गुद्दा तार रखा है इसका। हाँ जी, अच्छा। ये है, और इसे पका देते हैं। इसे पकाते हो, जबरदस्त। तो ये कितने वाला पत्ता तैयार हो गया? ये 20 रुपये, ये 20 का है जी। एक हमारे लिए वो भी लगाएंगे आप? लगा। तो जी अब आइए, बनने जा रही है हमारे लिए घुटी हुई से खुरचन बोलते हैं। नहीं, घुटी, ये घुटी हुई होती है। तो भाई इसी तरह इसमें भी मसाले चले गए हैं, लाल मिर्च, गरम मसाला, ये जी, ये क्या था? भुनी मिर्च है, भुनी मिर्च, और ये इमली, और ये नींबू। क्या बात है,
ये इसे अंकल मिलाएंगे बढ़िया तरीके से। फटी हुई दाल भी तैयार हो चुकी है, काफी बढ़िया लग रही है देखने में और जबरदस्त। इसको भी एक बार ट्राई, गर्मा गर्म है, मेन चीज ये है, ठंडी नहीं है, एकदम गर्मा गर्म दाल है। अब यहाँ देखो लोकल की दुकानदारी, अभी इन्होंने जितने पैसे धर दिए उतने की बना दी। अच्छा, ये इसीलिए पन पे नहीं आती, इसलिए बढ़ नहीं पाए, आगे नितरक के नहीं कर पाए, सड़क के सड़क पे ही पड़े। अब समझे आप, मतलब देना भी पड़ता है फिर जो अब बोल दे। अब उस लड़के ने मुझे पैसे दिए, हाँ जी, 8 पत्ते बना दिए। अब तुम लोग देखो 8 पत्ते में माल कितना जाता है यार, बहुत ही नहीं, पैसे कितने आते हैं। सही बात है, सबसे महंगी चीज है पत्ते। पत्ते अच्छा, दाल से भी महंगे पड़ते हैं। हाँ जी, ये 250 रुपए का 200 रुपए का गड्ढा आता है। पत्ता देखो आप साइज में कितना बड़ा है और बढ़िया, ये मालझन का पत्ता है। पत्ते में भी अलग ही मजा आता है खाने का, नहीं तो दे तो टोने में भी सकते हैं, लेकिन पत्ते में जो है अलग मजा है, पत्ता ये शुद्ध होता है। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता बढ़िया हेल्दी हो जाएगा, गर्मा गर्म है ना एकदम, बहुत गर्म है। कैसी है टेस्ट में? खट्टी है और एकदम मतलब चटपटा फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर ना, मजेदार। हाँ, जो इसमें ये मसाले डले हुए हैं ना, ये रेड चिली और ये सारा कुछ। हाँ जी, बड़ा मेरे आपको बीच में मेरी दुकान है, मेरी दुकान के नीचे बैठा है, आपकी दुकान है। कितना टाइम हो गया आपको खाते हुए? हो गए 60 बरस। ये देखो मसाला घर का बना हुआ है, ये देखो खाका घर घर आया भुना हुआ। ये जो अंकल कह रहे हैं घर का बना हुआ मसाला है, ये पहले भूनते हैं मसाले को, उसके बाद कूटते हैं, पहले इसको भूनते हैं फिर उसको पीसते हैं, ये है वो मसाला। बहुत ही टेस्टी है, डिफरेंट है, मेन चीज डिफरेंट है और हेल्दी है। सबसे मेन चीज ये है कि सुबह सुबह कुछ हेल्दी खाओगे, मजा आ गया, मतलब उसके लिए बहुत अच्छा, डिफरेंट भी है और हेल्दी भी है। मैंने इससे पहले नहीं खाया, फर्स्ट टाइम खाया। भाई आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, कितने ही लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं दाल के लिए, खाने के लिए, और सुबह सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट करने लोग आए हुए हैं, काफी सारे कस्टमर यहाँ पे बैठे हैं और खा भी रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? साहिब। तो यहाँ पे हरिद्वार से ही आप? ज्वालापुर। हाँ, ज्वालापुर से। ये दाल जो है आप खा रहे हैं, रेगुलरली खाते हैं? कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी, बढ़िया लगती है। आपको जी कैसा लगता है? मस्त एकदम, बढ़िया धक्का, बहुत बढ़िया। भगत पंसारी की दुकान, चौक घंटा बाजार, ज्वालापुर, झंडा चौक बाजार, झंडा चौक बाजार। ओके ओके।